तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस कितने प्रकार की होती है, पीवी वर्क डन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है देखेंगे, साथ साथ साइन कन्वेंशन देखेंगे, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपका हमारे चैनल घाटो स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करें आज का वीडियो, तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस एंड इट टाइप्स। कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं भाई हमारे पास? तो हमारे पास पांच प्रोसेस है जो किताब में दे दी है। वो पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरी है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस, और तीसरी है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। चौथी है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। पांचवी है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये पांच प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कि एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो इसे मिटा दे, तो मिटा रहे इसे, देखते हैं। पहली हेडिंग डाल दो, आइसोथर्मल क्या होता है भाई? थर्मल को देख के कुछ याद आ रहा है? अरे नहीं, उसका चेहरा ही नहीं याद करना। थर्मल यानी कि टेम्परेचर होता है भाई, आपको मालूम होगा। तो पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मल यानी कि क्या? टेम्परेचर। और आइसो यानी कि क्या? कॉन्स्टेंट, ना इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है। तो यानी कि टेम्परेचर ना डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, कॉन्स्टेंट है। जिस प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस में डेल्टा टी कॉन्स्टेंट होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू भी इसमें जीरो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कहानी होती है कुछ। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और सेकेंड वाली देखो, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। अब देखो, इस बार को देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। बार प्रेशर का यूनिट है, याद रखो। जिस प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो हेडिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज ए आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो होगा, कॉन्स्टेंट होगा। बार का मतलब प्रेशर है, बार प्रेशर का यूनिट है। और आइसोकोरिक देखो क्या है? आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम। जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो सिस्टम है वो उसमें हीट ट्रांसफार्मर नहीं होगा। कुछ ऐसे एक सिस्टम है, मान लो ऐसा एक पिस्टन रखा हुआ है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, दो इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा उस प्रोसेस को। हीट कॉन्स्टेंट होती है इस प्रोसेस में, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ए एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि यहाँ क्यू इज इक्वल टू हीट कॉन्स्टेंट होती है भाई। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो इसे मिटा दे, समझ में आया होगा इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस,
रिवर्सिबल यानी कि कुछ रिवर्स हो रही है वो प्रोसेस। मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी एक सिस्टम है, एक सिलेंडर है मनगढ़ंत, और उस पर एक ऐसा पिस्टन रखा हुआ है जो कि है मूवेबल, वेटलेस, उसका कोई वेट नहीं है, वो मोशन कर सकता है ऐसे। अगर इस उसमें जो गैस भरा है, उस गैस का जो प्रेशर, पी गैस का मतलब प्रेशर, गैस का प्रेशर अगर ज़्यादा हो बाहर के प्रेशर का, पी एक्सटर्नल का, तो ये पिस्टन ऐसे ऊपर मूव करेगा। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऐसे गैस इसे इस पुश करेगा इस पिस्टन को ऊपर की डायरेक्शन में। अगर पी एक्सटर्नल का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, देखो ज़रा। ऐसे एक सिलेंडर है और पी एक्सटर्नल ज़्यादा है पी गैस के मुकाबले, तो ये पिस्टन ऐसे नीचे मूव करेगा, यानी कि रिवर्स हो सकती है। जब पी एक्सटर्नल ज़्यादा हो तो पिस्टन ऐसे नीचे जाएगा, अगर प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा हो तो पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि रिवर्सिबल हो सकता है। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ड्राइविंग फोर्स जब ज़्यादा हो अपोजिंग फोर्स से तब क्या हो रहा है, और अपोजिंग फोर्स ज़्यादा हो ड्राइविंग फोर्स से तब क्या हो रहा है, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कांस्टेंट कब होगा भाई। ऐसा एक पिस्टन रखा हुआ है और इस पी एक्सटर्नल का प्रेशर और पी गैस का प्रेशर जब सेम हो तो ये पिस्टन कहीं भी मूव नहीं करेगा, एक जगह कांस्टेंट रहेगा, तो उसे बोलते हैं, हम आगे समझाएंगे कि उसे बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। वो अलग कंसेप्ट है, बाद में समझा देंगे। तो इसे मिटा दे, आपको समझ में आया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद है भाई नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। हीट का और वर्क का क्या नेचर है हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग डाल दो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ वर्क क्या होता है भाई। तो सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ, देखो नेचर ऑफ वर्क में क्या, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई एक सिलेंडर है। अरे यार कितने सिलेंडर देखेंगे। अब कुछ ऐसा एक सिलेंडर है और उस पर एक ऐसा पिस्टन रखा हुआ है जो कि है मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, और उसमें कोई ऐसा गैस भरा हुआ है। और आपको वर्क कितना, वर्क का फॉर्मूला पता होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और पहले था पिस्टन यहाँ, उस गैस का प्रेशर ज़्यादा था तो इसे पुश किया इस पिस्टन को, और यहाँ तक ऐसा डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और इस पिस्टन का एरिया था ए। बोलो यहाँ तक समझ में आया। वॉल्यूम V1 से लेकर V2 बढ़ गया है वॉल्यूम। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया भाई वर्क। मगर नेचर ऑफ वर्क में ये बोलते हैं कि वर्क इज इक्वल टू PV है भाई। PV यानी कि प्रेशर वॉल्यूम के बराबर होगा। हम नहीं मानेंगे भाई, क्यों होगा, तो आप देखो। तो प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस प्रेशर की जगह फोर्स पर यूनिट एरिया रख दो। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम DM³, DM³ में होता है वॉल्यूम, और एरिया D² में। तो फोर्स यहाँ D² रख दिया हमने इंटू D³। तो यह ये दो D³ है, D² है, और यहाँ D³ है, तो एक से एक मर गया, तो क्या बचा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, अब मानेंगे हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है। नेचर ऑफ हीट में ही वो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। कंसिडर करो कि एक रिएक्शन हो रही है। कंसिडर्ड, हमने 2 मोल्स ले लिए H2O2 के, इसकी रिएक्शन कर दी तो हमें मिला 2H2O, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकला। ऑक्सीजन गैस ऐसे बाहर निकल रहा है, इसकी रिएक्शन कर दी। तो पहले हमने इस यही सिलेंडर ले लेते हैं। अब कितने सिलेंडर बनाओगे आप। अब देखो इसमें पहले था H2O2, यहाँ तक गैस था, और इसकी रिएक्शन हो गई और 2H2O अलग निकला और O2 गैस बाहर निकला, यानी कि गैस एक्सपांड हुआ, तो ये पिस्टन ऐसे ऊपर चला गया। तो गैस एक्सपांड होगी तो पिस्टन यहाँ से तो यहाँ तक चला गया, गैस एक्सपांड हो गई भाई, O2 बाहर निकली और नीचे क्या बचा, 2H2O, यानी कि H2O नीचे बचा और गैस O2 बाहर निकला। O2 एक गैस होता है, इसकी वजह से जो पिस्टन था वो ऊपर की डायरेक्शन में चला गया। अब देखते हैं आगे वाला रिएक्शन विथ
NH3 गैस प्लस में डालेंगे में उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, उसमें दो नंबर पे है रिएक्शन विद NH3 गैस एंड किसके साथ करेंगे रिएक्शन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो रिएक्शन करेंगे तो कैसा होगा, NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू क्या होगा, NH3 के साथ में हाइड्रोजन मिल गया, NH4 बन गया और Cl, NH4Cl ये बन गया भाई सॉलिड है और ये जो है गैस थे, गैस से सॉलिड बन गए तो ऑटोमेटिकली पिस्टन नीचे ही आएगा। सॉलिड के पार्टिकल ऐसे करीब करीब होते हैं और गैस के पार्टिकल ऐसे फैले हुए होते हैं, आपको पता होगा ये ऐसा पिस्टन है, इसमें NH3 साथ में HCl गैस डाला था और ये मिक्स होके सॉलिड बन गए, छोटा सा इसका एरिया हो गया और ये ऐसे कम होके नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया और ये नीचे बना NH4Cl, ये एक सॉलिड है, ऐसा सॉलिड की कंप्रेस होके ऐसा नीचे पिस्टन चला गया। तो अब देखते हैं आगे वाला जो कि है नेचर ऑफ वर्क अभी देख रहा आपने, वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगे और इसी के बेस में पूरा डेरिवेशन चलेगा आगे वाले की। अब देखेंगे नेचर ऑफ हीट, ये कुछ नहीं थोड़ा ही बहुत ही इजी टॉपिक है हीट के बारे में, नेचर ऑफ हीट आपको पता है कि क्या हो गया, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, भाई ये तो सबको मालूम है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और हीट ऐसे एक्सचेंज होगी सिस्टम बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मान लो कि कुछ ऐसे एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, उस हीट ट्रांसफर होगी, अगर इस सराउंड सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो तो ये सिस्टम हीट रिलीज करेगी, कब तक करेगी, जब तक सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता तब तक। तो अब देखिए इसे मिटा देते हैं, आपको समझ में आया होगा नेचर ऑफ हीट क्या होता है। तो आगे देखते हैं हम आगे वाला क्या है, साइन कन्वेंशन समझाएंगे आपको क्या होता है। हेडिंग डाल दो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे हीट और वर्क का क्या होता है, क्यू एंड डब्ल्यू। अगर आपके पास हो पॉजिटिव क्यू यानी कि पॉजिटिव हीट हो तो समझ लेना कि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की किससे, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की किससे, फॉर सराउंडिंग से, सराउंडिंग से सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली तब हीट होगी पॉजिटिव हीट। अब नेगेटिव हीट कब होगी, हीट रिलीज कर दी सिस्टम ने किसमें, सराउंडिंग में, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम फॉर सराउंडिंग, इन सराउंडिंग। आपको समझ में आया पॉजिटिव हीट कब होगी और नेगेटिव हीट कब होगी, जब हीट रिलीज कर दी तो नेगेटिव हीट होगी, जब हीट एब्जॉर्ब कर दी तब पॉजिटिव हीट होगी। अब देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, भाई पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब सिस्टम पे वर्क करे, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव वर्क डन, सिस्टम ने वर्क किया सिस्टम की एनर्जी लॉस हो गई वो नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो किसने ऑन द सिस्टम, किसने वर्क किया उस पे, किसने सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे, तो अब नेगेटिव वर्क डन कब होगा भाई, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया इस बार बाय द सिस्टम,
वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, समझ में आया क्या हो रहा है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, इस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस जान लो, कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ। अब देखते हैं आगे, आगे क्या हो रहा है। अब देखो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम, हेडिंग डाल दो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम, इसे पीवी वर्क भी बोल दो, पीवी वर्क। एक्सप्रेशन देखेंगे भाई प्रेशर वॉल्यूम का क्या है। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में ऐसा गैस भरा हुआ है और ये ऐसा एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस ऐसा पिस्टन लगा हुआ है, और जो बाहर का प्रेशर है उसको पी एक्सटर्नल बोल दो और अंदर का प्रेशर है वो पी गैस का बोल दो। ये पिस्टन पी एक्सटर्नल बहुत कम है, बाहर का प्रेशर कम है, इसे उसे नेगेटिव है प्रेशर और ये पॉजिटिव है। तब ये जब पिस्टन यहाँ से मान लो यहाँ तक डी डिस्टेंस तक ऐसे चला गया, जैसे पिस्टन यहाँ से डी डिस्टेंस तक ऊपर चला गया, वॉल्यूम V1 से लेकर वॉल्यूम V2 तक, समझ में आया, प्रेशर गैस का कहाँ तक कहाँ चला गया। अब देखो क्या होगा, आपको फोर्स इजिकल टू क्या लग रहा है, ये इतना इस पिस्टन का एरिया है, आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, फोर्स इजिकल टू प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर सॉरी फोर्स इजिकल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इजिकल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं, तो प्रेशर इजिकल टू आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से फोर्स निकालेंगे प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर क्या है पी एक्सटर्नल लेंगे, बाहर का प्रेशर निकालेंगे, इस कम वाले प्रेशर के अकॉर्डिंग हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया ए। अब देखते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, अब देखते हैं वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन अभी अभी आपने पढ़ा, वर्क इजिकल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्स लगी उस फोर्स लगने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पिस्टन का, तो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, इसे इक्वेशन नंबर 2 दो और इस प्रेशर की फोर्स की वैल्यू उठा के इस जगह पे रख दो, तो वर्क इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल एरिया एज इट इज डी एज इट इज, तो एरिया क्या होता है भाई डी स्क्वेयर बेस इंटू हाइट एरिया होता है, तो वर्क इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल एरिया होता है डी स्क्वेयर और ये डी एज इट इज डी डी स्क्वेयर इंटू डी डी का क्यूब यानी कि वॉल्यूम हो गया भाई, ये तो माइनस पी एक्सटर्नल ये हो गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट नहीं है भाई, वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है V1 से लेकर V2 तक, तो इसे हम चेंज इन वॉल्यूम बोलते हैं, तो ये क्या आ रहा है पता है ना आपको, डी क्यूब इजिकल टू होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है चेंज हो रहा है इसलिए हमने डेल्टा वी लिख दिया इसकी जगह, तो वर्क इजिकल टू कितना हुआ माइनस पी एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये आ गया पी वी वर्क का एक्सप्रेशन। आप देखते हैं हम प्री एक्सपांशन क्या होता है, तो मिटा दे इसे, इसका जल्दी से लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लो, किताब में भी दे दिया है मगर कुछ ऐसा ऊट पटांग दे दिया होता है किताब में, सीधा उसको पसंद नहीं होता है। अब देखते हैं फ्री एक्सपांशन क्या होता है भाई, हेडिंग डाल दो फ्री एक्सपांशन, एक्सपांशन तो आपको समझ में आ रहा होगा मगर फ्री क्या है भाई, अभी एक्सपांड यानी कि गैस एक्सपांड हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, तो एक्सपांशन तो समझ में आया, फ्री क्या है, ये पी एक्सटर्नल कोई भी नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जो एक्सटर्नल प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अपोजिंग फोर्स एकदम जीरो होना चाहिए, उसको अपनी मन से गैस को एक्सपांड होने देना चाहिए। मान लो कि ये सिस्टम जाके कहीं वैक्यूम में रख दी जहाँ की एरिया नहीं है, किसी का भी प्रेशर नहीं है, तब वो जो गैस एक्सपांड हो रहा है उस एक्सपांड को बोलते हैं एक्सपांडनेशन को फ्री एक्सपांडनेशन। तो पी एक्सटर्नल क्या होगा, यह पी एक्सटर्नल जीरो होगा यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर एटमोस्फेरिक कुछ भी नहीं होगा, तो सिर्फ
उस गैस का प्रेशर होगा जिसके कारण वो एक्सपांड होना चाहिए, उसे बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। अब देखो भाई, अभी अभी हमने प्रेशर वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, पी वी वर्क, तो क्या निकालता था, वर्क इजिकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ऐसे निकाला था। इस वॉल्यूम की जगह ये रख दो, सॉरी पी एक्सटर्नल की जगह जीरो, डेल्टा वी एज इट इज, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो आ गया भाई। अगर पी एक्सटर्नल कुछ भी ना हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर कुछ भी ना हो, तो वर्क डन जीरो आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, बाय पी वी वर्क डन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा आ रहा है भाई। पी एक्सटर्नल कुछ भी ना हो, जीरो प्रेशर हो, तब वर्क डन भी जीरो होगा। इससे फ्री एक्सपांशन से हमें यह समझ में आता है। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग डाल दो भाई, यूनिट्स, यूनिट्स देखेंगे आप। तो हेडिंग डाल दो यूनिट्स ऑफ वर्क एंड हीट, वर्क एंड एनर्जी, यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। क्या आपको पता है वन जूल में, वन जूल इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इतना वर्क होता है भाई वन जूल में, इतना मीटर पर सेकंड। तो वन जूल में भी कितना पास्कल होता है, 1 पास्कल मीटर क्यूब, इतना होता है भाई। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को एक साइड तो सेम है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 पास्कल मीटर क्यूब, इतना तो होता है, आपको पता होगा। अब इस दोनों को साइड को इक्वल कर दो, हमें निकालना है डीएम क्यूब में वर्क निकालना है, ये डीएम क्यूब में कितना वर्क होता है, कितनी एनर्जी होती है वो निकालनी है। तो हम इन दोनों को साइड को इक्वेट कर दिया, 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला गया तो माइनस वन बचा, ये इसके नीचे चला गया तो ऊपर से एक मर गया, और नीचे m बचा, m ऊपर चला गया, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू हो गया भाई 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। अब आपको पता है 1 पास्कल इज इक्वल 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 पास्कल होता है भाई। अब इसको हम पास्कल में दोनों तरफ 10 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी 10 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी 10 रेज टू 5 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। आप क्या करेंगे, इस 10 रेज टू 5 पास्कल की जगह हम 1 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 किलोग्राम मीटर क्यूब मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2, ये एज इट इज़ रखना है। अब बार डीएम क्यूब में निकालना है, दोनों तरफ डीएम क्यूब लगा दो, 1 बार डीएम क्यूब, और इसी तरफ भी 10 रेज टू 5 डीएम क्यूब किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस 2। अब इस डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू माइनस 3, तो 1 बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 एज इट इज रहेगा, और इसका डीएम क्यूब का कन्वर्जन मीटर क्यूब में करना है, तो 10 रेज टू माइनस 3 मीटर क्यूब इंटू 10 मीटर माइनस 2 सॉरी माइनस 1 और 10 सेकंड माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 में से 10 रेज टू माइनस 3 गया तो 10 का स्क्वायर इंटू, ये 1 मीटर में से 1 मीटर चला गया तो मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और ये केजी कहा गया भाई, ये केजी भी तो रहने दो, तो 1 बार इज इक्वल बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस 2, इसकी जगह जूल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1 बार डीएम क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल, ये आ गया भाई आपका यूनिट्स जूल में, डीएम क्यूब का रिलेशन जूल में। तो इस यूनिट्स के साथ साथ ही आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 लाइक, पूरा करेंगे कि नहीं ये सब आपके हाथ में है। तो आज का वीडियो यहाँ कर रहे हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।